मैं फिर से आपके साथ टॉप 22 क्वेश्चन के साथ फिर से आया हूं और मेरी आशा है कि आप इस वीडियो को लाइक जरूर करेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के नजरिए से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अक्सर एग्जाम में आते रहते हैं उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है। चले चलते हैं मुगल वंश से रिलेटेड क्वेश्चन। मुगल काल 1526 से 1857 के काल को मुगल काल कहा गया है और मुगल वंश के संस्थापक बाबर थे। ये तैमूर लंग के वंशज थे, ये तैमूर वंश के वंशज थे। और पहला क्वेश्चन है पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था आपको बताना है। 21 अप्रैल 1526 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और बाबर ने चार लड़ियां मुख्यतः इस प्रकार लड़ी है। पानीपत के प्रथम युद्ध जो है 1526 में हुई थी, खानवा का युद्ध 1527 में और चंदेरी का युद्ध 1528, घाघरा का युद्ध 1529। ये लगातार जो है युद्ध बाबर ने जीते हैं 1526, 27, 28 और 29। एक ट्रिक भी है, पानी पिया, खाना खा, चाय पिया, घरे जा, ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक पिए के रूप में है जो जल्दी से याद हो जाता है लोगों को। तो 1526, 27, 28, 29 ये चार लगातार जो है बाबर के ने जीते हैं और मुगल वंश के संस्थापक माने जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाई थी, किन्होंने बनवाई थी भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड? इसका आंसर है शेरशाह सूरी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शेरशाह सूरी के बारे में अगर जानना है तो अगला वीडियो में बनाऊंगा, ऐसे कुछ जानकारी मैं बता दूं। भारत के इतिहास में एक विशेष स्थान रखते हैं शेरशाह सूरी, यानी सूर्यवंश के संस्थापक थे शेरशाह सूरी। और अदम्य साहस और परिश्रम के बल पर उन्होंने दिल्ली के सिंहासन पर कब्जा किया था। शेरशाह सूरी बचपन में उनका नाम फरीद खां। और फरीद खां का नाम शेरशाह कैसे पड़ा? शेरशाह का नाम उन्होंने एक शेर को कम उम्र में ही मार डाला था जिसके बाद उनका नाम जो है शेरशाह पड़ गया। अगला क्वेश्चन चलते हैं। गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण कराया था? फिर से क्वेश्चन दोहरा दूं। गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण कराया था? बुलंद दरवाजा। शेरशाह सूरी जो है बहुत ही अच्छे और साहसी थे। उनकी पत्नी का नाम रानी शाह था और उनका भाई निजाम खान और उनके उपरांत यानी उनका उत्तराधिकारी सूर्यवंश का दूसरे नंबर में जो है उनका पुत्र यानी इस्लाम शाह सूरी। उनका वास्तविक नाम जलाल खां था। वो 7 वर्ष तक दिल्ली में शासन किए इस्लाम शाह। और तीसरे नंबर में सूर्यवंश के संस्थापक फिरोज शाह सूरी थे, तीसरे शासक फिरोज शाह सूरी। बहुत इंपॉर्टेंट, ये कभी कभी एग्जाम में आ भी जाता है। चलिए चलते हैं। ये बुलंद दरवाजा है, आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन। अच्छा, एक ट्रिक भी बनाया हुआ गया है, देख सकते हैं। भाजसा लगातार क्रम में एग्जाम में आते रहते हैं। भाजसा जैसे बी फॉर बाबर, एच फॉर हुमायूं, ए फॉर अकबर, जे फॉर जहांगीर, एस फॉर शाहजहां, ए फॉर औरंगजेब और लास्ट में है बहादुर शाह जफर जो है अंतिम मुगल वंश के शासक थे। ये भाजसा लगातार क्रम में अगर याद कर सकते हैं तो कर लीजिए। भाजसा, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, ये लगातार 6 बादशाह हैं। अगला क्वेश्चन। आईने ए अकबरी एक महान ऐतिहासिक कृति निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई थी? 4 नंबर क्वेश्चन है। आईने ए अकबरी एक महान ऐतिहासिक कृति निम्नलिखित में किसके द्वारा लिखी गई थी? अबुल फजल। अगला क्वेश्चन। पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 अप्रैल 1956 निम्नलिखित में से किसके बीच हुई थी? अकबर और हेमू के बीच में। सॉरी। अगला क्वेश्चन। दीन ए इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था? अकबर के द्वारा।
अकबर के द्वारा शुरू किया गया था। और एक बार अकबर से रिलेटेड, अकबर का पूरा नाम बदरुद्दीन मोहम्मद अकबर, बदरुद्दीन मोहम्मद अकबर, बहुत इंपॉर्टेंट, कुछ लोग पूछ भी देते हैं अकबर का पूरा नाम क्या था, तो बदरुद्दीन मोहम्मद अकबर। और ये मुगल वंश के तीसरे शासक थे और वो निरक्षर थे, पर वो अपने दरबार में शिक्षित लोगों को रखते थे। नवरत्न, आप जैसे कि जानते होंगे नवरत्न जो अकबर के दरबार में बहुत ही फेमस, मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया, तो अकबर। अगला क्वेश्चन आठवां, मुगल काल की राजभाषा क्या थी, मुगल काल की राजभाषा क्या थी, ये आपको बताना है। फारसी, यानी राजभाषा जो थी वो फारसी थी। अगला, तानसेन किसके दरबार में थे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तानसेन किसके दरबार में थे, तो ये अकबर, क्योंकि नवरत्न वो उन्होंने रखे थे। नवरत्न में से तानसेन जो थे वो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के महान ज्ञाता थे, और नवरत्नों में से यानी अकबर के नवरत्नों में से एक थे। उनको संगीत सम्राट के नाम से भी जाना जाता था, क्योंकि वो ग्वालियर के थे। और तानसेन जो है बहुत ही अच्छा शास्त्रीय संगीत के महारत हासिल किए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मुगल चित्रकारी किसके शासनकाल में पराकाष्ठा यानी चरमोत्कर्ष प्राप्त किया, मुगल चित्रकारी किसके शासनकाल में पराकाष्ठा चरमोत्कर्ष प्राप्त किया, तो जहांगीर जो थे चित्रकारी के बहुत ही शौकीन थे। अगला क्वेश्चन, बाबर मूल रूप से कहां का शासक था, बाबर मूल रूप से कहां का शासक था, फरगना, क्या होगा, फरगना। अगला क्वेश्चन, रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके शासनकाल से संबंधित थे, रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके शासनकाल से संबंधित थे, अकबर, अकबर के दरबार में रामचरितमानस के लेखक जो है तुलसीदास वो संबंधित थे, यानी तुलसीदास जो थे रामचरितमानस लिखी है, उनकी कृति है। अगला क्वेश्चन, किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में अक्सर आते रहते हैं, किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित यानी परिवर्तन किए, शाहजहां ने। चलिए चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर, हुमायूं का मकबरा कहाँ है, हुमायूं का मकबरा कहाँ है, दिल्ली में, क्या होगा आंसर, दिल्ली में। अगली क्वेश्चन 15 नंबर, भारत में बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है, भारत में बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है, औरंगाबाद में। अगला क्वेश्चन 16 नंबर, किसने अकबर की जीवन कथा लिखी थी, किसने अकबर की जीवन कथा लिखी थी, अबुल फजल, क्या होगा आंसर, अबुल फजल। हुमायूं नामा किसने लिखा था, सोचिए, गुलबदन बेगम। अगला क्वेश्चन 18, अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था, भू राजस्व सुधारों के लिए, टूडरमल, क्या होगा इसका आंसर, टूडरमल। अगला क्वेश्चन, हल्दीघाटी का युद्ध कब लड़ा गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये लगभग कई एग्जाम में आए भी हैं, हल्दीघाटी का युद्ध कब लड़ा गया, 1576 यानी 1576 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, फैजी किसके दरबार में रहा, अकबर, यस, अकबर के दरबार में रहा। अगला क्वेश्चन, किस सिख गुरु की मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेवार है या था, किस सिख गुरु के मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेवार था या है, ये गुरु तेग बहादुर, क्या होगा आंसर, गुरु तेग बहादुर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आते हैं। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा कहाँ है, तानसेन का मकबरा कहाँ, ग्वालियर। ये थे मेरे टॉप 20 क्वेश्चन, 22 क्वेश्चंस, आई थिंक आपको पसंद आएंगे।